सोलन के प्रवेश द्वार प्रमाणों पर एंट्री टैक्स के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कलकत्ता से आए पर्यटकों का परमाणु बैरियर पर गाली गलौज के साथ स्वागत हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कलकत्ता से हिमाचल घूमने आए परिवार ने दिल्ली से हिमाचल की टैक्सी बुक करवाई और वह हरियाणा और पंजाब को क्रॉस करते हुए जैसे ही हिमाचल की सीमा पर पहुंचे तो परमाणु बैरियर पर होमगार्ड के जवान ने उन्हें आगे निकलने का संकेत दिया। वह कुछ आगे निकले तो बैरियर पर तैनात कर्मी ने गाली देते हुए गाड़ी के दरवाजे पर लगा शीशा तोड़ दिया और जब गाड़ी रुकी तो वहां तैनात अन्य कर्मी चालक और पर्यटकों से हाथापाई पर उतर आए, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठा दूसरा परिवार सहम गया और हिमाचल से वापस जाने की जिद करने लगा। लेकिन वहां मौजूद कुछ अन्य पर्यटकों ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। चालक ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स नहीं है, इसीलिए वो बैरियर से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक वहां तैनात व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा और बाद में अन्य कर्मियों के साथ उनसे हाथापाई करने लगा। चालक ने परमाणु बैरियर पर तैनात कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और साथ ही उनके हुए नुकसान को पूरा करने का आग्रह भी किया है। हाँ सर, मैं तो वहाँ पे ना मेरा शीशा तोड़ दिया उन लोगों ने जो वहाँ पे पर्ची काटते हैं अपना बैरियर पे, तो मेरा जैसे मैं बाहर निकल रहा था मेरे से हाथापाई करने लगे जो वहाँ पे पर्ची काट रहे थे। मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पे पर्ची हिमाचल की एंट्री की पर्ची नहीं है। तो मैं गाड़ी क्रॉस कर रहा था, उन्होंने पता नहीं किस चीज़ से मारा और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। तो मुझे ये इस पे कार्रवाई हो और मेरा शीशा जो भी मेरा नुकसान हुआ वो भरपाई की जाए। हम हिमाचल के रहने वाले हैं, हमारे साथ ही ऐसी हरकतें होती हैं हिमाचल में एंट्री के लिए ही। अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं सर। वहीं कालका से आए पर्यटक ने कहा कि वह पहली बार परिवार के साथ हिमाचल घूमने आए थे, लेकिन हिमाचल के प्रवेश द्वार पर ही उनके साथ ऐसा स्वागत किया गया जिससे उनका परिवार दहशत में आ गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह परमाणु बैरियर से गुजर रहे थे तो वहां तैनात कर्मी ने गाड़ी पर डंडे से वार किया और उसका शीशा तोड़ दिया। कुछ शीशे उनके परिवार पर भी गिरे, वह शीशे उनके परिवार को घायल भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का व्यवहार हिमाचल आने वाले पर्यटकों से किया जाएगा तो हिमाचल आने के लिए पर्यटक कतराने लगेंगे, इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह बैरियर पर उचित व्यवस्था करे ताकि पर्यटक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मेरा नाम है प्रोबीर चटर्जी, मैं पहली बार आज कलकत्ता से हिमाचल आ रहा हूँ घूमने। शिमला बॉर्डर में क्रॉस कर रहा हूँ तो वहाँ अचानक एक कांस्टेबल था जिसने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया मेरे ड्राइवर को, जाओ आप। तो वहाँ जो गाड़ी खड़ा था CPF जो लोग थे वो लोग अचानक डंडा मार दिया शीशा में। मेरा तो हम लोगों का तो नसीब अच्छा था कि ये शीशा मेरा खिड़की का शीशा उठा हुआ था, वरना हम लोग को सबको चोट लग सकता था। अगर ऐसा हाल होगा, पहली बार हम लोग आ रहे, अगर ऐसा बिहेव हम लोगों के साथ होगा तो दोबारा कौन आएगा इस हिमाचल सिटी में, तो हम तो नहीं आएंगे। मैं तो हिमाचल सरकार को क्या हिमाचल सरकार को मेरा यही कहा कि इसका कार्रवाई किया जाए और दोबारा दूसरा कोई भी पर्यटक से या कोई भी बंदा से ऐसा व्यवहार ना किया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो भी भाई साहब का गाड़ी का नुकसान हुआ है उसका हर जाना भरपाई कर जाए।